जय श्री गणेश जी। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, स्वागत करती हूँ आप सभी का द सीक्रेट ऑफ शिव शक्ति तंत्र मंत्र में महालक्ष्मी ज्योतिषात्मी और मिस्टीरियस यूनिवर्स व एस्ट्रो संध्या सक्सेना में। आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय देने आई हूँ, और ये उपाय है उन सभी लोगों के लिए जो कहते हैं कि उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है और उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो इस उपाय इस वीडियो में मैं सिखाने का काम करती हूँ, आपको मैंने बताया था। तो आज का जो मैं आपको प्रयोग बता रही हूँ वो ये है कि आपको क्या करना है। यदि आपको कोई समस्या है इसी टाइप की कि तबीयत खराब रहती है, कोई कुछ कह देता है तो आपको दिल पे लग जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी परेशानियां ना हो आपकी ज़िंदगी में, तो आपको एक लौंग लेनी है, और वो लौंग सुबह सुबह नहा धोकर आप पूजा स्थल में रख के ओम शम शनिश्चराय नमः का 27 बार जाप करने के बाद भगवान शनिदेव से हाथ जोड़ के कृपा मांगना और कहना मुझे पूरे दिन में कोई तंग ना करे, कोई परेशान ना करे, और फिर वो लौंग उठा के दाढ़ के नीचे रख लेना, उसको पूरे दिन चूसना है जितने चूस सकते हो, ठीक है। और फिर देखो आपका दिन कितना अच्छा जाता है, पूरे दिन कोई तंग नहीं करेगा। अगर किसी ने तंग किया तो हर्षनदेव उसकी टांगे तोड़ेंगे। तो करके देखो मज़ा आएगा, छोटा सा उपाय है लेकिन करके जरूर देखना है, और ये एक तरह से तंत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो भगवान श्री गणपति महाराज को हमेशा जय श्री गणेश जी बोल के ही करते हैं कोई भी काम। यदि आप श्री गणपति महाराज का नाम बिना लिए कोई कार्य करते हैं तो संपन्न नहीं होता। तो जब आप शनिदेव की पूजा करेंगे तो उससे पहले आप मेरे देवता श्री गणपति महाराज का ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमेशा खुश रहिए, प्रसन्नचित रहिए। आज लेता ही धन्यवाद।